भूगोलशाला, मैं पूनम यादव। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज की हमारी क्लास का टॉपिक है वो अरब स्कॉलर्स के बारे में। आज की हमारी क्लास रहेगी अरब भूगोल वेताओं का ज्योग्राफी में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। तो अरब स्कॉलर 8वीं से लेकर के और 13वीं शताब्दी तक, 13वीं शताब्दी तक मेनली अरब भूगोल वेताओं का योगदान रहा है। इसके बाद जो 14वीं और 15वीं से लेकर के 16वीं से शताब्दी की हम बात करें तो उसे पुनर्जागरण काल के नाम से जाना जाता है। ओके, मेनली स्ट्रैबो के बाद से ही अंधकार युग प्रारंभ हो जाता है। और इस अंधकार युग या अंध युग का मीन है कि इस समय विशेष में ज्योग्राफी में ज्यादा वर्क नहीं हुआ है, साहित्य में ज्यादा वर्क नहीं हुआ है। इस समय बेसिकली रिलीजियस जो वर्क है वो किए गए हैं, या हम कहें कि चर्च का महत्व इस समय अधिक बढ़ गया है। ठीक है, बाइबल की, चर्च का महत्व और बाइबल की स्टडी है वो इस समय की गई, और धार्मिक खोज इस समय की गई, और धार्मिक क्रियाकलापों पर इस समय बल दिया गया। इसी के फलस्वरूप जो ज्योग्राफी में वर्क करना था वो नहीं हुआ है, इसी कारण से इसे अंधकार युग कहा जाता है। जस्ट अंधकार युग के खत्म होते ही अरब काल आता है और अरब भूगोल वेता इसमें अपना अहम योगदान अदा करते हैं। तो वो कौन कौन से स्कॉलर्स हैं जिन्होंने ज्योग्राफी में वर्क किया है? तो अरब भूगोल वेता इबन हाकल, इबन बतूता, अल बरूनी, अल मसूदी, ये सभी ने ज्योग्राफी में वर्क किया है। तो क्या क्या इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है? तो भूगोल में अरब भूगोल वेताओं का योगदान हम पढ़ेंगे, भौगोलिक ज्ञान का विकास इसमें कैसे हुआ है, और अरब भूगोल वेता कौन कौन से जिन्होंने ज्योग्राफी में अपना योगदान दिया है। तो सबसे पहले है अल बल्खी का महत्वपूर्ण योगदान हम पढ़ेंगे, जिन्होंने किताबुल अस्काल लिखा, जो कि एक पहला जलवायु एटलस था। इबन हाकल अल मसूदी का भूगोल में क्या योगदान है, भूगोल में अल बरूनी के क्या क्या काम हैं, अल इदरसी ने भूगोल में क्या महत्वपूर्ण योगदान दिया है, इबन बतूता की क्या भूमिका है, इबन खल्दून लास्पली हम अरब भूगोल वेताओं का योगदान में पढ़ते हैं। तो भूगोल में अरब विद्वानों का क्या महत्वपूर्ण योगदान रहा है? तो अरब मुसलमानों ने लगभग 900 वर्षों तक दुनिया पर शासन किया है, और 7वीं से 13वीं शताब्दी, ठीक है, वही मेनली मैंने बताया कि 8वीं से लेकर के 13वीं शताब्दी तक अरब भूगोल वेताओं का मेनली कंट्रीब्यूशन रहा है, जो कि ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के रूप में इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया है। तो उनका शासन दक्षिण पश्चिमी एशिया से लेकर, मध्य एशिया से लेकर के यूरोप, अफ्रीका और एशिया, मेनली ये तीन ही महाद्वीपों में विचरण करते हैं और तीन महाद्वीपों में काम करते हैं। क्योंकि अरब भूगोल वेताओं से पहले टी इन ओ मैप की हम बात करते हैं, तो इसमें टी सेंटर में होता है और इस टी सेंटर के बीच चारों तरफ अर्थ के महाद्वीपों की अगर हम बात करें तो पूर्व की और एशिया महाद्वीप अफ्रीका और यूरोप, इस तरह का टी इन ओ, ओ के अंदर टी बना हुआ है ये मैप। येरूशलम को इसमें मध्य में दिखाया गया है, येरूशलम, और वो किस लिए दिखाया गया है, क्योंकि ईसाई धर्म के अनुयायियों के द्वारा जो कि अंधकार युग प्रारंभ हुआ, उस अंधकार युग में मेनली ईसाई धर्म के अनुयायियों ने वर्क किया है और उन्होंने धार्मिक रचनाओं और कृतियों में ही थोड़ा बहुत अपना कंट्रीब्यूशन दिया है ज्योग्राफी में। तो उन्होंने ये मैप बनाया, टी इन ओ मैप बनाया, जिसमें येरूशलम को इन्होंने मध्य में दिखाया है। भूमध्य सागर की, लाल सागर की बात करते हैं, क्लियर है? तो इस प्रकार से इनसे पहले जब टी इन ओ मैप बन चुका था, अरब भूगोल वेताओं से पहले टी
इन ओ मैप बन चुका था, तो वो इसी प्रकार से सेम एज तीन महाद्वीपों की ही बात करते हैं, क्योंकि तो जितना हम अब तक पढ़ते आए हैं, यूनानियों ने, उसके बाद रोमन वासियों ने, उसके बाद अंधकार युग में भी बेसिकली तीन ही महाद्वीपों का जिक्र हुआ है, फिर अरब भूगोलवेत्ता भी तीन ही महाद्वीपों की बात करते हैं, तो वो तीनों महाद्वीप एशिया, अफ्रीका और यूरोप है, क्लियर है। तो अरब भूगोलवेत्ता भी तीन ही महाद्वीपों में विचरण करते, तीन ही महाद्वीपों में वर्क करते हैं, तो इनकी जो यात्राएं रही हैं लगभग वो एशिया, अफ्रीका और यूरोप के ऊपर रही हैं। तो देखिए, इनका शासन पूर्वी अफ्रीका से सहारा डेजर्ट, जिसमें मोरक्को, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया शामिल है, इबेरियन प्रायद्वीप, स्पेन, पुर्तगाल, दक्षिणी फ्रांस, बाल्कन प्रायद्वीप, यूरोप, मध्य एशिया मेनली, और उत्तरी चीन, भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया, जिसमें मलेशिया और इंडोनेशिया भी शामिल है। तो दक्षिणी महासागर के कई द्वीपों तक अरब वासियों का विस्तार या शासित क्षेत्र, ठीक है। अब देखिए, 762 ईस्वी में अरब वासियों ने बगदाद के नए शहर की स्थापना की, ओके, और यह बौद्धिक दुनिया का केंद्र बन रहा है। खलीफा जो धार्मिक गुरु होता है, हारून अल रशीद के संरक्षण में बगदाद में बेतुल हिकमा नामक एक अकादमी की स्थापना की गई, जिसमें अपने जो एकेडमिक्स वर्क किए गए। इस अकादमी में ग्रीक, रोमन, लेटिन, फारसी, संस्कृत, हिब्रू भाषा, अरबी में साहित्य का अनुवाद करने का प्रशिक्षण किया गया था। तो जितने भी ये अरब भूगोलवेत्ता हैं, इन्होंने अरबी और फारसी में विभिन्न धार्मिक पुस्तकों का अनुवादन किया है, ट्रांसलेशन किया है। भौगोलिक ज्ञान का विकास, तो अरब काल के दौरान भौगोलिक ज्ञान की वृद्धि और विकास के लिए जिम्मेदार कौन कौन से मेनली कारण हैं कि अरब वासियों की जिज्ञासु प्रवृत्ति, जिज्ञासु स्वभाव और उनका ओपन माइंड, ठीक है। तो ये जो अरब के विद्वान है वो ओपन माइंडेड पर्सन है और उनको क्यूरियोसिटी भी बहुत ज्यादा थी सीखने की, इसी के कारण से भौगोलिक विकास प्रारंभ हुआ। इस्लामिक भाईचारा, तो इस्लामिक ब्रदरहुड का मीन है कि इस्लामिक जो स्टेट है, इस्लाम का जहाँ शासन है, तो वो कहीं दूर दूसरे महाद्वीप में भी एक अपने सेम एज समझते हैं, तो इस्लामिक भाईचारे के कारण से भी उनका भौगोलिक ज्ञान का विकास प्रारंभ हुआ। हज यात्रा, ठीक है, हज क्या होता है, इस्लाम का धार्मिक यात्रा, ठीक है। हज को कहते हैं इस्लाम में पवित्र पवित्र यात्रा, ठीक है। और इसके बाद है व्यापार और वाणिज्य के चलते, तो व्यापार के चलते, वाणिज्य की क्रियाओं के चलते हुए एक दूसरे के साथ में जो संबंध है, एक देश का दूसरे देश से या एक महाद्वीप का दूसरे महाद्वीप से, इसी के चलते भौगोलिक ज्ञान में विस्तार हुआ, ठीक है। अगला देखिए, समुद्री यात्राएं, तो इस समय सी जनरी जर्नी, तो मेनली यहाँ के जो विद्वान हैं उन्होंने यात्राएं की हैं, जो समुद्र की यात्राओं के चलते इन्होंने भौगोलिक खोज का विकास किया है। फिर लास्टली भौगोलिक ज्ञान समुद्री यात्राओं का अरब के बाद में ठहरा नहीं है, उसके बाद पुनर्जागरण काल में सबसे पहले समुद्री खोजों का काल 15वीं से 16वीं शताब्दी को कहा जाता है। तो अब आते हैं अरब भूगोल बेटा अल बक्सी का, बल्खी का भूगोल में योगदान। तो अल बल्खी का भूगोल में क्या योगदान है, अल बल्खी 850 से 934 ईसा में अपना योगदान देते हैं, और अल बल्खी ने विभिन्न अरब यात्रियों के विवरणों से, स्वयं की यात्राओं के माध्यम से और अपने अन्य साथियों की यात्राओं का विवरण ज्ञात कर जलवायु संबंधी आंकड़े उन्होंने एकत्रित किए, और उन्हीं आंकड़ों को बेस बना करके किताब अल अश्कल नामक रचना की, और वो रचना क्या है, विश्व का पहला जलवायु एटलस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
कि किताबुल अस्काल क्या है? विश्व का पहला क्लाइमेट का एटलस बना है, तो जलवायु एटलस या जलवायु मानचित्र सबसे पहला कौन है? किताबुल अस्काल। तो पहला जलवायु मानचित्र किसने बनाया? अल बल्खी ने बनाया। ओके, नेक्स्ट विद्वान है अरबवासी जिनकी हम बात करने जा रहे हैं, इबन हाकल का भूगोल में क्या मेनली योगदान रहा है? तो इबन हाकल अबू अल मोहम्मद कासिम इनका पूरा नाम है और 1912 से 1978 ईस्वी तक इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बगदाद का निवासी था और इनका असली नाम मोहम्मद अब्दुल कासिम। क्लियर है? इबन हाकल इन्हें कहा जाता है, ठीक है। तो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है बुक ऑफ रूट एंड रेंस, और इस पुस्तक में इन्होंने पृथ्वी का वर्णन प्रस्तुत किया है। विभिन्न यात्राएं पूर्ण करते हैं पवित्र कुरान के अधिकार क्षेत्र में, दुनिया को पैदल दुनिया दायरे में रह करके इन्होंने दुनिया का एक पैदल यात्रा कर की है या पैदल दौरा किया है, ठीक है। इस पुस्तक में पहाड़ों में, पहाड़ों के बारे में, नदियों के बारे में, शहर, फसलों की या एग्रीकल्चर पैटर्न, सिंचाई के तरीके कौन कौन से हैं, तो खासकर मुस्लिम देशों के बारे में अच्छी जानकारी दी है इबन हाकल ने। तो इन्होंने कैस्पियन सागर, काला सागर और यूरोपीय देशों के बारे विवरण प्रस्तुत किया है इबन हाकल। अच्छा, ये एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि अर्थ के ऊपर 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ तक वाला जो एरिया है वो रहने के लिए या आवासीय है, ठीक है। 20 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री साउथ तक का स्थान है वो आवासीय है, इसके अलावा रहने योग्य नहीं है। देखिए, इनसे पहले जलवायु कटिबंध के बारे में पता चल चुका था, किताबुल अस्काल आ चुकी थी, इसी के बाद में इबन हाकल भूगोल में जब अपना योगदान देते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो पहले चीज खोजी गई है या पहले से जिस चीज का वर्णन किया जा चुका है उसके बारे में इन्होंने पढ़ा है और पढ़ करके इन्होंने अपनी थ्योरीज में बताया है कि 20 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ तक का एरिया है ये रहने के योग्य है। इसके बाद वाला है उसमें टेम्परेचर अधिक होने कम होने के कारण से, टेम्परेचर कम होने के कारण से वो क्षेत्र रहने के योग्य नहीं है, ठीक है। इसके अलावा इनकी अन्य एक पुस्तक है जिनका नाम है सूरत अल अर्द। क्लियर है? नेक्स्ट चले। अब आते हैं अल मसूदी का भूगोल में क्या महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो अल मसूदी अपने आप में एक महत्वपूर्ण ज्योग्राफर है और इन्होंने अपने स्टडी एरिया में लगभग यूं कहें कि अफ्रीका और भारत का दौरा किया है और इस दौरान अल मसूदी लगभग 896 से 956 ईस्वी तक रहे हैं। अल मसूदी ने कहा कि पृथ्वी का आकार कैसा है? गोलाकार। तो अल मसूदी पृथ्वी को गोलाकार बताते हैं। तो उनका मानना था कि समुद्र की सतह भी घुमावदार है, जैसी अर्थ है उसके सराउंडस ओशियन है, ठीक है। अगला देखिए, बगदाद में इनका जन्म हुआ है।
आप देखिए, व्यापार के लिए फारस की खाड़ी से चीन जाते समय, अब व्यापार के लिए फारस की खाड़ी से होते हुए और जब ये चीन मार्ग की तरफ जाते हैं तो ये अपने रास्ते में आए हुए सभी ओशंस को नाम देते हुए चलते हैं, तो इन्होंने सात समुद्रों का नाम भी लिया है। तो कौन से वो सात समुद्र हैं जो अल मसूदी ने बनाए हैं, बताए हैं? तो इनके अनुसार फारस की खाड़ी, तो फारस का एक समुद्र है लार्वे, लार्वी सागर। तो लार्वी सागर किसका नाम है? अरब सागर का नाम। अल मसूदी के अकॉर्डिंग लार्वे सागर है, बट वर्तमान में जो अरब सागर है उसका नाम उन्होंने लार्वी सागर कहा है। ठीक है। इसके अलावा उन्होंने बंगाल की खाड़ी का नाम हरिकेन, हरिकेन बंगाल की खाड़ी को कहा। ठीक है। लार्वी सागर अरब सागर को कहा और हरिकेन सागर बंगाल की खाड़ी को कहा। ठीक है। इसके अलावा फोर्थ नंबर पर सेलाहेट या कालाबार, मलक्का सागर को कहा, मलक्का सागर, क्योंकि चीन जाते समय ये रास्ते में पड़ने वाले सागर। नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ नंबर पर सेम्फ सागर की बात करते हैं और सेंजी सागर, और कालाबार सागर। ठीक है। तो हो गए सेवन, सेंजी सागर कहते हैं। और ये सेंजी सागर कौन है? कोई और नहीं है, स्वयं चीन सागर। क्लियर है। तो इन्होंने सात समुद्रों की बात की है और जिनका नामकरण भी इन्होंने अपने अकॉर्डिंग किया है। तो व्यापार के लिए फारस जाते समय, फारस की खाड़ी से होकर के चीन सागर यानी सेंजी सागर के ओर जाते समय इन्होंने सात समुद्रों की बात की है। इन्होंने अटलांटिक महासागर को गहरा हरा सागर नाम दिया, गहरा हरा सागर नाम दिया अटलांटिक सागर को। इट मीन्स ये अटलांटिक महासागर के बारे में भी जानते हैं। अल मसूदी ने भारतीय मानसून का अच्छा विवरण प्रस्तुत किया है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट होता है कि भारतीय मानसून के बारे में बताने वाले कौन से अरब विद्वान हैं। तो अल मसूदी ने भारतीय मानसून के बारे में विवरण प्रस्तुत किया। उन्होंने भाषाओं के आधार पर दुनिया को सात क्षेत्रों में भी विभाजित किया है। अब आते हैं अल मसूदी की मेन पुस्तकें कौन कौन सी हैं। तो देखिए, मुरा अल दहाब, जिसको गोल्डन मिडोज कहा जाता है, तो गोल्डन मिडोज कहा जाता है, किताब मिराज भी कहा जाता है। अगला देखिए, किताब अल तनहाउश इशरा या किताब अल औसत, इसी प्रकार से इनके नाम रहेंगे। आसानी से आप ये देख सकते हैं कि ये बुक है वो अरब भूगोलवेताओं के द्वारा लिखी की गई है, क्योंकि इसमें अल वर्ड का ये यूज जरूर करते हैं। तो किताब अल औसत, किताब अखबार अल जमान। ठीक है। तो ये इनकी मेन बुक्स हैं। अब आते हैं अल बरूनी का भौगोलिक चिंतन में क्या महत्वपूर्ण योगदान रहा है, ज्योग्राफी में इन्होंने क्या वर्क किया है। तो अल बरूनी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, अल बरूनी अबू रेहान मोहम्मद इनका नेम है, 973 से लेकर के 1048 ईस्वी तक इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो 11वीं शताब्दी को अल बरूनी युग घोषित किया गया। ओके। अल बरूनी काल कहा जाता है 11वीं शताब्दी को, क्योंकि इस समय इन्होंने महत्वपूर्ण खोज ज्योग्राफी में अपने नाम से दर्ज कराई है।
तो अल बरूनी काल कहा जाता है। फिर जियो सेंटर्ड थ्योरी में अपना विश्वास रखते हैं। तो महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम है किताब अल हिंद। इसे ही इनका मानसिक कार्य माना जाता है जो भूगोल से संबंधित है। तो किताब अल हिंद इन्होंने राइट किया है। ये इनके माता पिता ईरानी मूल के और ईरानी भाषा में बरूनी बरूनी का मीन होता है विदेशी, या फिर कहें हम बाहर का, जो आउटर वाले को कहते हैं। तो इसी कारण से इनका नाम, इनको अल बरूनी कहा जाता है, यद्यपि इनका नाम अबू रेहान मोहम्मद है। क्लियर है? अल बरूनी इनका नाम पड़ा हुआ है। क्लियर है? इसके अलावा ये मोहम्मद गजनवी के समय भारत आए, मोहम्मद गजनवी के समय ये भारत आए हैं, ठीक है। और भारत के भूगोल से रिलेटेड इन्होंने किताब अल हिंद राइट किया है, जो कि काफी महत्वपूर्ण बुक है। तो अल बरूनी महत्वपूर्ण कवि हैं, चिकित्सक भी हैं, गणितज्ञ रहे हैं, रसायन विज्ञान का भी इन्हें ज्ञान था, और ये एक महत्वपूर्ण फिलोसफर हैं ही। मेनली इन्होंने 146 बुक्स को राइट किया है। इन्हीं बुक्स में से बुक्स हैं जो खगोलिकी से संबंधित हैं, और 146 में से ही 23 बुक्स ऐसी हैं जो ज्योतिषी शास्त्र से संबंधित हैं। इसके अलावा 15 बुक इनकी ऐसी हैं जो गणित से रिलेटेड हैं, 16 बुक हैं जो साहित्य से संबंधित हैं, बाकी इनकी बुक चिकित्सा से रिलेटेड हैं, कवि और कविताओं के माध्यम से इन्होंने ज्योग्राफी को समझाया है। तो इस प्रकार से 146 इनकी बुक्स हैं। अल बरूनी की उपाधि की हम बात करें, इन्हें मुन्नीज्म के नाम से भी जाना जाता, या इन्हें मुन्नीज्म की उपाधि दी गई है। तो इन्होंने भारत के दिन, किताब उल हिंद का मीन होता है भारत के दिन, या इसी बुक का दूसरा नाम है तहकीक ए हिंद। हिंद के बारे में ये राइट करते हैं, और भारत के दिन इसका मेनली अर्थ होता है। तो भूगोल से संबंधित इनकी ये बुक रही है, और ये बुक राइट करने की उपलक्ष्य में ही इन्हें मुन्नीज्म की उपाधि दी गई। क्लियर है? और ये ऐसे प्रथम मुस्लिम भूगोलवेत्ता हैं भारत के रेफरेंस में, जिन्होंने भारत का वर्णन किया है। प्रथम मुस्लिम भूगोलवेत्ता रहे हैं, और इनके द्वारा तारीखे उल हिंद भी राइट की गई।
किताब अल हिंद और तारीख अल हिंद। तारीख अल हिंद भी इनकी महत्वपूर्ण बुक का नाम। इसके अलावा इनके द्वारा अल कानून अल मसूदी, अब ये अल मसूदी की बुक नहीं है लेकिन फिर भी इसे आप कंफ्यूज नहीं होना है कि अल मसूदी का नाम आ गया है तो अल मसूदी ने राइट की है। नो, अल बरूनी ने राइट की है और इसका नाम है अल कानून अल मसूदी। तो ये इनकी महत्वपूर्ण बुक का नाम है जो सामान्य गणित से रिलेटेड है। इसके अलावा खनिज और बहुमूल्य पत्थर भी अल बरूनी की पुस्तक है। इन्होंने सबसे पहले इनकी बेसिकली जो बुक्स हैं, किताब अल हिंद जो भारत के रेफरेंस में ज्योग्राफी के सेंस में लिखा है, अल ताहिर ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित इन्होंने राइट की है, रिसाला जो दिन और रात के बारे में ये बताते हैं, सूर्य की गति के बारे में भी बात करते हैं, कानून अल मसूदी जो ग्रहण के बारे में भी बताते हैं, अल कानून अल मसूदी अफगान के राजा मसूद कैनन के बारे में लिखते हैं, रसीकत अल हिंद भारत में राशि चक्र के बारे में ये लिखते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनकी बुक जो कि मैंने पीछे राइट की है, खनिज और बहुमूल्य पत्थर के बारे में भी इन्होंने लिखा है। ठीक है, किताब अल सैदाना इन्होंने लिखा है, किताब अल जवाहिरात, ये वाली बुक है ना किताब अल जवाहिरात, इस पर भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, किताब अल जवाहिरात, इसमें बहुमूल्य खनिज पत्थर के बारे में ये राइट करते हैं, तो ये किताब अल जवाहिरात भी इनकी बुक है। किताब अल जमाहिर भी इन्हीं की बुक का नाम है। किताब अल जमाहिर। ओके, विश्वास का सूर्य, ठीक है, तो ये मेनली पाणिनि के ग्रंथ का अरबी में अनुवाद करते हैं। और पाणिनि के ग्रंथ का फारसी भाषा में अनुवाद करते हैं। वेस्टीज ऑफ पास्ट, क्लियर है। तो ये हमने अल बरूनी के बारे में पढ़ा है, जिन्होंने अपनी महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जो एक कवि हैं, चिकित्सक हैं, भारत की परंपराओं के बारे में राइट करते हैं, क्लियर है। तो अल बरूनी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अगला विद्वान है अल इदरसी। अल इदरसी का जन्म मोरक्को में हुआ है।
मोहम्मद अल इदरशी, और इनका जो काल रहा है बेसिकली वो 1100 से लेकर के 1165 ईस्वी तक रहा है। 1154 में इन्होंने एजुमेट्स फॉर हिम टू डिजायर्स टू ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड नामक बुक लिखी है। और अल इदरसी जिन्होंने टॉलमी की पुस्तक में सुधार की, ठीक है, टॉलमी जिन्होंने बहुत सारे मानचित्र बनाए हैं, उन्हीं मानचित्र कला की जो बुक है उनकी उसी में इन्होंने सुधार किए हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात है कि टॉलमी की बुक में भी कोई सुधार कर रहा है तो वो अल इदरशी हैं। और वे यूनान के विश्व को 5 जलवायु भागों में वर्गीकृत करने के विचार से सहमत नहीं थे कि यूनान के विश्व को 5 ही जलवायु भागों में आप कैसे बांट सकते हो, इतनी यो हम कहें डिफरेंस नहीं है क्लाइमेट में। तो उन्होंने जलवायु के आधार पर अधिक परिष्कृत वर्गीकरण भी प्रस्तुत किया है। तो ये भी मेनली क्लाइमेट पर वर्क करते हैं अल इदरशी। और इनकी बुक का नेक्स्ट बुक का नाम है अल किताब अल रुजानी। जिन्हें रेसर बुक भी कहा जाता है। क्लियर है। अब ये जलवायु विज्ञान पर वर्क करते हैं, तो जलवायु विज्ञान पर वर्क करते हुए उन्होंने परिष्कृत वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। और उस परिष्कृत वर्गीकरण को इन्होंने ज्ञात विश्व का मानचित्र बनाया। ज्ञात विश्व इनके सेंस में वही 3 कॉन्टिनेंट है, 3 महाद्वीप है। तो ज्ञात विश्व का मानचित्र जो बेलनाकार प्रक्षेप पर बनाया है, ठीक है, टॉलमी की पुस्तक पर ये सुधार कर रहे हैं। और इसी समय ये जलवायु पर वर्क कर रहे हैं, और जलवायु का नेक्स्ट मानचित्र बनाते हैं वो बेलनाकार प्रक्षेप पर बनाते हैं ज्ञात विश्व का, जिसमें 3 महाद्वीपों की बात करते हैं, एशिया, अफ्रीका और यूरोप, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रक्षेप आधारित शुद्ध मानचित्र बनाते, और ये इनका जो ज्ञात विश्व का बेलनाकार प्रक्षेप पर मानचित्र इन्होंने बनाया वो कैसा था, शुद्ध आकृति का मानचित्र। क्लियर है। अब बात करते हैं इबन बतूता का भूगोल में क्या योगदान रहा है। तो इबन बतूता ज्योग्राफी में क्या कंट्रीब्यूशन देते हैं, तो इबन बतूता जिनका नाम है अब्दुल्ला मोहम्मद, ठीक है, 1304 से 1369 ईस्वी तक ये वर्क करते हैं। और इनकी महत्वपूर्ण बुक जिसका नाम है रेहेल्ला इबन बतूता को अरब का मार्को पोलो कहा जाता है, क्योंकि ये भ्रमणकारी हैं, ये भ्रमण करता है, इन्होंने पूरे विश्व में यात्राएं की हैं। इसी के कारण से देखिए विश्व में यात्राएं करने वाला मार्को पोलो है। लेकिन अगर हम अरब वासियों की बात करें तो अरब का मार्को पोलो एकमात्र इबन बतूता है जो भ्रमण करता है, जो यात्राएं करते हैं, यात्रा के पश्चात वो अपनी बुक राइट करते हैं। क्लियर है। तो सबसे ज्यादा इन्होंने यात्राएं की हैं, इसी कारण से इन्हें अरब का मार्को पोलो कहा जाता है। तो सबसे पहले यही बात इनकी याद करने लायक है कि इबन बतूता जो अरब का मार्को पोलो है। इबन बतूता भ्रमण करता है होने के कारण अरब जगत के मार्को पोलो कहलाते हैं। ठीक है। इबन बतूता जिनकी महत्वपूर्ण पुस्तक जो भ्रमण के पश्चात उन्होंने राइट की है वो रेहेल्ला है, और रेहेल्ला यात्राओं का वर्णन, ठीक है, रेहेल्ला क्या है, यात्राओं का वर्णन।
वर्णन या संग्रह है इनका, जो इनकी यात्राएं रही हैं उन्हीं के बारे में इन्होंने यहाँ पर ट्राई किया है। क्लियर है? तो मुस्लिम दुनिया की मिट्टी, आवास, कृषि, अर्थव्यवस्था, समाज, राजनीति के बारे में, सभी फील्ड के बारे में ये बात करते हैं। वह मोहम्मद बिन तुगलक के निमंत्रण पर दिल्ली आए थे। क्लियर है? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आए हैं और दिल्ली के काजी के रूप में भी इन्होंने काम किया है इबन बतूता ने। इन्होंने मक्का, मिश्र, एशिया माइनर, टर्की, सीरिया, इराक, फारस, अफगानिस्तान, अरब, जंजीवार द्वीप, अफ्रीका, साइबेरिया मैदान, ख्वाजीरम, जिसका ख्वाजीरम एक लैंग्वेज भी है, एक क्षेत्र भी है, ख्वाजीरम इनकी बुक का भी नाम है, और उज्बेकिस्तान को बेसिकली ख्वाजीरम लैंग्वेज यूज करने वाला स्थान है, और इसमें मध्य एशिया, ओमान, यमन, इथोपिया, भारत, मालदीव, श्रीलंका, सुमात्रा, चीन, सार्डिनिया, गार्नार्ड, स्पेन, नाइजर नदी पर टिम्पून का दौरा किया। तो इनकी यात्राएं यहाँ यहाँ तक जाकर के पूर्ण हुई है। तो लगभग इन्होंने 28 वर्षों में पिचहत्तर हजार मील की यात्रा की। ओके, ये यहाँ यहाँ जितने भी मैंने अभी नाम बताए हैं वहां ये 28 वर्षों में यात्रा करते हैं और कंप्लीटली ये 75,000 मील की यात्रा ये पूर्ण करते हैं। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय ये भारत में आमंत्रण पर आए हैं। क्लियर है? और रेहिल्ला, जो इनकी बुक का नाम है रेहिल्ला, इसमें इन 28 वर्षों के दौरान जहां जहां ये गए हैं तो यहाँ यात्राओं का विवरण ये प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, अब हम महत्वपूर्ण बात करने जा रहे हैं, जो क्वेश्चन कभी फ्यूचर में बन सकता है, अभी तो नहीं आया है, रेहिल्ला का अन्य नाम क्या है। तो रेहिल्ला का एक बड़ा विस्तारित नाम है, नोट करके रखें। तो देखिए, तुहफत अल नज्जार, अल नज्जार पी गयारब, पी गयारब अल उनसार अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अल अजायब अल अफसा, तो ये नाम है रेहिल्ला का। तो हम तो छोटा सा ही याद कर लेंगे रेहिल्ला, तुहफत अल नज्जार पी गयारब अल उनसार अल अजायब अल अफसार, ये इनकी रेहिल्ला का दूसरा नाम अरबी में। क्लियर है? तो ये इनकी बुक का नाम है, जिसमें जिसको भ्रमण वृतांत के नाम से भी जानते हैं, और भ्रमण वृतांत इन्होंने इसी में वर्णित किया है। क्लियर है? तो एक महत्वपूर्ण बात जो इबन बतूता बताते हैं, क्या बताते हैं इबन बतूता, इबन बतूता को विश्वास का क्या क्या उपनाम है उनके, विश्वास का सूर्य, इबन बतूता का नाम है। अब ये तो हिंदी में अनुवाद है, लेकिन अरबी में इसे सन अल्लादीन, हम सुनते हैं ना अल्लादीन का चिराग हो क्या, इस तरह की बातें, तो वो अल्लादीन
विश्वास का सूर्य इबन बतूता को कहा जाता है। क्लियर है? तो ये विषुवत रेखा के रेफरेंस में बताते हैं विषुवत रेखा पर अधिकतम तापमान नहीं होते हैं, जबकि 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ पर अधिकतम तापमान होते हैं। ओके, तो 10 डिग्री नॉर्थ ये कहते हैं कि अधिकतम तापमान भूमध्य रेखा पर नहीं बल्कि 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ के ऊपर पाए जाते हैं। क्लियर है? तो इसी के कारण से ये कहते हैं कि अधिक गर्म जलवायु 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ के पास में होती है। यहाँ भूमध्य रेखा की हम बार बार बात करते हैं, तो भूमध्य रेखा के आसपास यहाँ ज्यादा अधिकतम गर्मी या गर्म जलवायु नहीं पाई जाती है। और इन्होंने ये सिद्ध किया है क्योंकि आप जानते हैं कि अरब के मरुस्थल निवासी जो डेजर्ट के निवासी हैं, लगभग ईसाई धर्म है वो अरब के डेजर्ट में या डेजर्ट की क्लाइमेट में ही पनपा है। तो इसी के फलस्वरूप इन्होंने जो रेगिस्तान की यात्राएं की हैं, तो लगभग सहारा डेजर्ट की हम बात करें तो ये 10 डिग्री नॉर्थ पर अवस्थित है। तो 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ वाले जो रीजन है वहां पर अधिकतम जलवायु गर्म रहती है और भूमध्य रेखा पर वर्षा हो जाने के कारण से यहाँ टेम्परेचर ज्यादा हाई नहीं होते। ये बात इबन बतूता ने बताई। क्लियर है? चलिए, तो अगला विद्वान जिनकी हम बात करने जा रहे हैं इबन खलदून की, तो इबन खलदून का भूगोल में क्या योगदान रहा है? तो इबन खलदून जिनकी महत्वपूर्ण बुक जिसको हमें याद रखना चाहिए, मुकदीमा, तो इबन खलदून की महत्वपूर्ण पुस्तक जिसका नाम है मुकदीमा, ठीक है? तो इनका जन्म उत्तर पश्चिमी अफ्रीका के भूमध्य सागर के तट पर हुआ है और इन्होंने मुकदीमा नामक बुक राइट की है जो टोटल 6 खंडों में विभाजित है। तो पहला खंड क्या है जिसमें वो सभ्यता, भूगोल और नृविज्ञान के बारे में बात करते हैं, प्रजाति की बात करते हैं। नेक्स्ट सेकंड खंड जो इनका है, तो सेकंड वॉल्यूम में ये खाना बदोश संस्कृति पर चर्चा करते हैं, गतिहीन संस्कृति के साथ इनकी तुलना करते हैं। तो संस्कृति और खाना बदोश जनजातियों के बारे में बात करते हैं। तीसरा भाग जो है वो राजवंश या राज्य से संबंधित है और नेक्स्ट वॉल्यूम में गांव और शहरों के रहन सहन के बारे में ये बताते हैं। पांचवें वॉल्यूम में व्यवसाय आजीविका के साधन के बारे में बात करते हैं और सिक्स्थ में विज्ञान का वर्गीकरण प्रस्तुत करते हैं। तो ये इबन खलदून की मुकदी में जो 6 खंडों में विभाजित है जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो ये इनके द्वारा एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट दी गई कि उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में घनी आबादी वाला क्षेत्र है, कि अधिकतम पॉपुलेशन है वो उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है ना कि दक्षिणी गोलार्ध में। और वो बात बिल्कुल सही है क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में ओशियंस अधिक है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में जहाँ
स्थल का भाग अधिक है तो वहां पर पॉपुलेशन अधिक, क्लियर है। तो ये मुकदी महा जो 6 वॉल्यूम में इन्होंने लिखी थी, और इनका जो रुझान था वो पर्यावरण निर्धारक भी थे ये, इन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इस प्रकार से हमने अरब भूगोलवेताओं की बात की है। इसके बाद अब आ जाते हैं, देखो लास्ट ये अंतिम विद्वान है जो अंतिम अरब भूगोलवेता है, तो इनका नाम हम यू भी याद रख सकते हैं, अंतिम अरब भूगोलवेता। ओके, तो अंतिम अरब भूगोलवेता हैं जिन्होंने ज्योग्राफी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके जस्ट बाद अब 14वीं ईसा, ये देखिए 1406 ईस्वी आ चुकी है जब इबन खलदून यहां तक थे। अब जैसे ही 13वीं शताब्दी खत्म होती है तो चौदह है से 17वें है, या हम कहें तो खोज काल कहा जाता है, और इसी की हम आगे बात करेंगे। तो 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक के काल को खोज काल कहा, ठीक है। इसके बाद खोज काल, अन्वेषण काल और पुनर्जागरण काल की हम बात करेंगे। तो अरब भूगोल वेताओं के बाद में हम पुनर्जागरण या खोज काल की हम बात की, क्लियर है। तो इस प्रकार से आज की हमारी क्लास खत्म होती है यहीं पर, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।